नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य पांडे ब्लॉग्स। जी हां दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग, जो कि कंपनी की बात की जाए तो ये पटना में पड़ती है। और दोस्तों, जो बकरी पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं, उनके लिए ये मशीन बहुत कम दाम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। तो मैं सबसे पहले फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सर, आपका भी स्वागत और मेरे व्यूवर्स का भी स्वागत है फूड मार्ट एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी में। ओके, एक चीज़ ये बताइए, ये एक मशीन जहाँ तक दिख रही है खास करके बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमको ये चीज़ बताइए कि कैसे इस चीज़ को किसान भाई लोग उपयोग करके कम बजट में अच्छा कर सकते हैं। सर, जैसे कि जानते हैं कि हम बिहार में रह रहे हैं, बिल्कुल, तो बिहार में जो पशुपालन है वो बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल। और बिहार ही नहीं, बाहर के ऐसे भी कुछ राज्य हैं, कुछ स्टेट हैं जहाँ पशुपालन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोग जो एक या दो जानवर रखे हुए हैं या फिर किसी के पास उससे भी ज़्यादा है, ज़्यादातर हम जाते हैं बंगाल वगैरह में या पंजाब, उधर भी लोग ज़्यादातर पशुपालन करते हैं। तो वैसे हमारे भाई, वैसे बंधु जो गोरू रखे हुए हैं या बकरी रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए, गाय रखे हुए, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये सर है चाफ कटर मशीन, यानी चारा काटने वाली मशीन है सर। ये बहुत कम दाम की और बहुत इजी वे में चलने वाली एक मशीन है। ओके, सबसे बड़ा प्रॉब्लम खास करके हमारे किसान भाइयों के साथ ये होता है ना कि बड़ी सी मशीन होता है, उसका रेट हाई होता है, सब चीज़, सभी लोग इसको ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या प्राइस में आ जाएगी, जो ये हमारे व्यूअर को बताइए। सर, इस मशीन का बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत कम रेट की मशीन है और मशीन कितनी बड़ी है ये तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल। ये मशीन सर इतनी छोटी है, इसके साथ हम सर 1 HP का मोटर आपको देते हैं। 25,000 की ये मशीन है सर, सिर्फ 25,000। ध्यान से सुनिएगा सर, आजकल तो मोबाइल भी 20,000 का लोग रखते हैं, बिल्कुल। ये एक सिर्फ 25,000 की मशीन है जिसमें आपको 1 HP का मोटर लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटी की बात करें सर तो 200 से 300 किलो इसके 1 घंटे का प्रोडक्शन है, यानी 1 घंटा में 200 से 300 किलो ये कटिंग करता है। क्या चीज़ का कटिंग करता है? वैसी चीज़ें जो आप चारा में यूज़ करते हो, चैप कटर मीन्स चारा कटर, कुट्टी कटर, तो ऐसी चीज़ें जो आप चारा में यूज़ करते हो वो सारी चीज़ें आप इसमें कटिंग कर सकते हो, चाहे वो गन्ने का प्लांट हो या फिर पुआल हो, बिचाली हो, भैंस जो खाते हैं और हाँ, ये बकरी जो खाती है वो चीज़ इससे कटिंग हो जाता है ना। जितने भी एनिमल्स आप पेट एनिमल्स रखते हो, जितने भी जानवर आप डोमेस्टिक जानवर, जो घरेलू जानवर है, पालतू जानवर है, उनके जो खाने की चीज़ें हैं, चारा कटिंग है, आप अगर कहीं से खरीदते हो सर, चारा जाके खरीद के लाते हो, तो वो आपको उतना सस्ता नहीं पड़ेगा जितना सस्ता में आप यहाँ माल तैयार कर लोगे। क्योंकि आप लोग किसान भाई हो, आपके पास खेती होती ही है, और नहीं भी होती है तो बहुत जगह पे ऐसा है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सारी मटेरियल मिल जाती है जिसकी आप कटिंग कर सकते हो। और चूंकि ये बहुत छोटा जगह है और आप देख रहे हो कि ये आराम से आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो, बिल्कुल, इसको बहुत इजी वे में ट्रांसपोर्ट, क्या कहते हैं उसे, कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। इन सब चीज़ों के लिए बहुत हेवी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। घर में अगर आप आंगन में जानवर दो रखे हुए हो और उसका पालन करने के लिए अगर आप कोई बुजुर्ग इंसान भी है तो वो भी इस चीज़ को चला सकता है और इससे वो अपने पशुओं को देखभाल कर सकता है। एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, खास करके इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए कि बिजली की खपत क्या होती है इसकी? सर, इसमें चूंकि 1 HP का मोटर है तो सिर्फ 220 वोल्ट, जो कि एक बल्ब का पावर है, उतना ही कनेक्शन इसमें ज़रूरत पड़ता है। बहुत हेवी कुछ नहीं है सर, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटे अमाउंट में है और बहुत छोटे जगह पे है, बहुत कम दाम में आप अपना जो भी पशु है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़। ओके, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कहीं से मशीन में कुछ खराबी आ जाती है इसके लिए? सर, अगर मशीन में कोई भी खराबी आती है सर तो आप फ्री हैं, हमारे कंप्लेंट नंबर दी होती है, जो भी चैनल है या फिर हमारा जो क्लाइंट मशीन लेके जाते हैं उनको हम अपना एक कंप्लेंट नंबर देते हैं, आप उस पर हमें बताइए, अपना कंप्लेंट लिखवाइए, हमारा बंदा आपकी मशीन की सर्विसिंग करेगा, ये हमारी गारंटी रहती है, बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने देखा, मैम ने बताया कि बिल्कुल कम पूंजी से ये चीज़ लगा कर आप अपने घर में, जो खास करके चारा जो होता है बड़े बड़े मशीन में कटाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे आपके लग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ आप 25,000 रुपये से मात्र लगा कर आपको कहीं जाने भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल कम ही पूंजी से आप अपना ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, और खास करके कितने भी गाय भैंस रखें लेकिन आपको कम से कम एक दिन में भी इसे करके आप डेली के डेली उसको खिला सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात की जाए इनका एड्रेस, तो एड्रेस एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे व्यूअर को। दोस्तों, हमारा एड्रेस है पटना, बिहार, पटना जिला, नंदलाल छपरा बाईपास, एकदम ईजी वे है दोस्तों, आप कहीं से भी आइए,
किसी भी राज्य से आ रहे हैं, किसी भी जिले से आ रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जक्सन उतरिएगा तो वहाँ से सीधे ऑटो लीजिएगा भूतनाथ का, और भूतनाथ से एक ऑटो मिलता है जो सीधे हमारी कंपनी के पास ला देता है। नंदलाल छपरा के लिए ऑटो मिलता है, नंदलाल छपरा आइए, या फिर 0 माइल से सीधे आइए, आपको एकदम 4 किलोमीटर के डिफरेंस में है, और आप यहाँ आके आप मशीन हमसे ले जाइए। अगर बाहर के लोग जो बिहार के बाहर है वो नहीं आ सकते हैं तो वो हमसे ऑनलाइन भी इस बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। ओके, मतलब ये घर बैठे कहीं से भारत के किसी भी कोने से मंगवा सकते हैं। हाँ जी, कहीं से भी वो मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, एक बार मैं रिकमेंड करूंगा आप, अगर आपको ज़रूरत है तो इस मशीन को ज़रूर घर बैठे भी मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।